प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप यही प्यार स्नेह देते रहिए मुझको। इसी तरीके से आप मेरे प्रोग्राम को देखते रहें। मेरा पूरा प्रयास है कि आपको कुंडली देखने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा दूँ। आप लोग यही इसी तरीके से मेरे प्रोग्राम को देखें। एक समय आएगा कि आप खुद अपनी कुंडली स्वयं देखें। बहुत से मित्रों की फरमाइश आई कि गुरु सूर्य की युक्ति किन किन कुंडली के किन किन भाव में हमें किन किन घरों में अधिक लाभ देता है, वो क्या प्रभाव देता है, ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें जिन भाव को मैं छोड़ दूंगा, समझ लेना उसमें अच्छा प्रभाव नहीं देता। जिसके कुंडली में लग्न में गुरु सूर्य बैठा हुआ है, ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, विद्वान होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, इनमें कार्य करने की क्षमता होती है। जिसकी कुंडली में तीसरे भाव में गुरु सूर्य की युक्ति, ऐसे लोग को माता पिता भाई बंधुओं का प्यार अधिक मिलता है, माता पिता का सुख मिलता है, माता पिता से आर्थिक लाभ होता है, लंबे समय तक होता है, ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के। जिसकी कुंडली में चौथे भाव में गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, अपने नाम से जाने जाते हैं। जिसकी कुंडली में पांचवें भाव में गुरु सूर्य की युक्ति, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, इच्छानुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपने शिक्षा के द्वारा अपने नाम पहचान बनाते हैं, बहुत कम उम्र में स्वावलंबी हो जाते हैं, इनके संतान भी पूर्ण योग्य होते हैं, इनके जीवन में जो भी धन दौलत होता है स्वयं का बनाया गया। जिसकी कुंडली में छठवें भाव में गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग का चरित्र कभी नहीं गिरता है, कभी जेल नहीं जाते हैं, कभी किसी के सामने नतमस्तक नहीं होते। जिसकी कुंडली में नौवें भाव में गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, ऐसे लोग व्यापार उद्योग के द्वारा धन कमाते हैं, ऐसे लोग संसद विधायक बनते हैं, ऐसे लोग के पास जो भी धन दौलत रहता है धन का बनाया हुआ है। जिसकी कुंडली में ग्यारहवें भाव में गुरु सूर्य की युक्ति हो, ऐसे लोग अचानक धन की प्राप्ति करते हैं, कम परिश्रम में अच्छा धन कमाते हैं, ऐसे लोग रंग से राजा बनते हैं और संसारिक सुख के तमाम साधन इनके बाद मौजूद हैं। जिसकी कुंडली में लग्न से बारहवें भाव में गुरु सूर्य की युक्ति हो, इनके चौथे पन्न अच्छे जाते हैं, ऐसे लोग मंदिर धार्मिक कार्य करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, ऐसे लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, ईश्वरवादी होते हैं और चौथा पन इनका पूर्ण सुखता ही रहता है। ये छोटा सा वीडियो गुरु सूर्य की युक्ति कुंडली के किन किन भाव में अधिक लाभ देता है, क्या लाभ देता है, ये आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। इसको शांतिपूर्वक सुनिए और देखिए। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9425300।
01111। दोस्तों, ये नंबर मैं इसलिए देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधी प्रश्न हो तो आप मुझसे करिए, मैं फ्री सेवा कर दूँगा। कोई अगर मित्रगण अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप मेरे फ़ोन पर संपर्क करिए, उसके लिए कुछ आपको फीस देना होगा। फीस देंगे तो मैं पूरे कुंडली का विवेचन कर दूँगा। इतना करते हुए वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।